अजय देवगन के पिता और मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का निधन हो गया है। वो 85 साल के थे। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे वीरू को सांता क्रूज के सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम करीब 6 बजे विले पार्ले स्थित शमशान भूमि पर किया गया। वीरू बॉलीवुड के सबसे पुराने एक्शन डायरेक्टर्स और स्टंटमैन में से एक थे। वीरू देवगन ने सत्य वे सत्ता, स्वर्ग से सुंदर, 10 नंबरी, मिस्टर नटवरलाल, क्रांति, राम तेरी गंगा मैली, आखिरी रास्ता, मिस्टर इंडिया, फूल और कांटे, इश्क जैसी 80 से ज्यादा फिल्मों में एक्शन कोरियोग्राफर के रूप में अपना योगदान दिया था। 1999 में बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने हिंदुस्तान की कसम भी बनाई थी। वीरू देवगन की फैमिली में पत्नी वीणा के अलावा 2 बेटे अजय देवगन और अनिल देवगन और 1 बेटी भी है, जिसकी शादी हो चुकी है। अनिल देवगन अनमैरिड हैं और जबकि अजय की शादी काजोल से हुई है। उनके 2 बच्चे, बेटी न्यासा और बेटा युग है। इंडस्ट्री में पिता के होने के कारण बॉलीवुड में किस्मत आजमाने में भले ही अजय का सफर आसान रहा हो, लेकिन वीरू देवगन के लिए यह किसी ख्वाब को सच करने जैसा था। अमृतसर में जन्मे वीरू के लिए अपने शहर से माया नगरी पहुंचने तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। 1957 में उनके इस सफर की शुरुआत हुई थी। आप किस पर कह रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आगे भी लगातार न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।